शहरों में मिलने वाले स्ट्रीट फूड बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो या कच्छ। कच्छ की बहुत ही फेमस कच्छी दाबेली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एकदम परफेक्ट रेसिपी है। सबसे खास बात, टमाटर महंगे हुए हैं लेकिन इस डिश को बनाने में बिल्कुल टमाटर की ज़रूरत नहीं है, बिना टमाटर के ये बन जाती है। रक्षाबंधन त्यौहार आ रहा है उसके लिए परफेक्ट रेसिपी है। इसमें मैं आपको बताऊंगी स्टफिंग बनाने की रेसिपी, ये लाल चटनी बनाने की रेसिपी, मसाला सिंग बनाने की रेसिपी और साथ ही साथ दावेली के मसाला के बिना ये कच्ची दावेली कैसे बनेगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मसाला बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक प्लेट में लेकर रखी हुई हैं, जैसे कि लाल सूखी मिर्च मैंने यहाँ पर ली हुई है, तो देगी मिर्च और कश्मीरी मिर्च दोनों ही ली हुई है, चक्री फूल ले लिया है, दो बड़ी इलायची, करीब चार छोटी इलायची, तीन से चार मैंने तेज़पत्ते लिए हैं, सफ़ेद तिल लिया है, काले मिर्च, लौंग, दालचीनी, हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और यहाँ पर नारियल का बुरादा लिया है। नारियल का बुरादा अगर आपके पास नहीं है तो सूखा नारियल लेकर उसे पतले स्ट्रिप्स में काट कर उसे यूज़ कर लें, या तो फिर ताज़ा नारियल क्रिस्प होने तक भून कर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इस पैन को लो से मीडियम फ्लेम पर रखना है और अब इन सारे मसालों को पैन में डालकर एकदम धीमी आँच पर भून लेना है जब तक कि सारे मसाले थोड़े क्रिस्प न हो जाए। तो यहाँ पर हींग को छोड़कर मैं सारे मसाले डाल दूँगी, हींग को अभी नहीं डालूँगी, नहीं तो फिर बाद में हींग जल जाते हैं तो इनका जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये जो सारे मसाले हैं यहाँ पर पैन में डाल दूँगी और लाल मिर्च जो सूखी हुई है उसे टुकड़ों में तोड़ कर डालूँगी तो वो भी साथ ही साथ अच्छे से भुन जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इन मसालों को लो से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। ये देखिए मसाले उतने ही गर्म होने चाहिए जितना आप सह सकें, ज़्यादा तेज़ गर्म करने पर ये जो मसाले हैं जल सकते हैं, इनका फ्लेवर ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए मैं उंगलियों से इसे आसानी से स्टर कर पा रही हूँ और मसाले आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्प हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लास्ट में नारियल का बुरादा डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स करके भून लूँगी सारे मसालों के साथ और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस 2 मिनट थोड़ा सा इसे मसालों के साथ डालकर आंच को बंद कर दूंगी। तो अब यहाँ पर आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मसाले एकदम अच्छे से भुने जा चुके हैं, काफ़ी अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, तो आंच को बंद कर देना है। यहाँ पर मैं डाल दूंगी हींग और अब इस मसाले को पूरी तरह ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दें। पूरी तरह ठंडा हो जाने के बाद इसे मैं पीस लूँगी। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू उबाल कर रखा हुआ है, इसे बाद में यूज़ करेंगे। ये देखिए मसाले ठंडे हो गए हैं तो इसे ब्लेंडर में डालकर पीस लेना है, तो जितना हो सके उतना अच्छे से बारीक कर ले इसे। मिर्च भी काफ़ी क्रिस्प हो गई है और एकदम आसानी से ये पीस जाएंगे। तो यहाँ पर इनको पीस लेने के बाद अब एक मिक्सिंग बोल में मैं इनको ट्रांसफ़र कर लूँगी। अभी इसमें और भी चीज़ें मिक्स करनी बाकी हैं। यहाँ पर आप मसाले का टेक्सचर देख सकते हैं और इसी तरीके से दाबेली मसाला तैयार होता है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टीस्पून चीनी फ्लेवर के लिए और साथ ही साथ इसमें काला नमक मिक्स करना है, तो इसमें मिक्स करना रह गया था तो मैंने बोल में जब ट्रांसफ़र कर लिया उसके बाद मिक्स किया है। ये देखिए यहाँ पर ये जो मसाले हैं आप भरनी में भर के रख सकते हैं, 3-4 महीने ये आसानी से टिक जाते हैं और इतने मसाले में आप 2 बार दाबेली बना सकते हैं। यानी मैंने आधा किलो आलू उबाल कर लिया है। यहाँ पर ये देखिए काला नमक मैंने डाल दिया है और इसे इस अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी मसालों में, तो यहाँ पर काला नमक भी मिक्स हो गया है। मिक्सी में ना पीसने का कारण ये भी है कि हल्की सी भी गर्माहट अगर होगी मसाले में तो चीनी और नमक से थोड़ा स्टिकीनेस आ जाता है, फिर इनको पीसना मुश्किल होता है। तो ये देखिए मसाले हमारे तैयार हैं। चलिए अब बना लेते हैं मसाला सिंग, जिसके लिए एक पैन में मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून तेल। अब मैं इसमें डाल दूंगी भुना हुआ सिंगदाना, तो ये घर का ही भुना हुआ सिंगदाना है और यहाँ पर इसे मैंने ओवन में भून लिया है। आप चाहें तो पैन या कढ़ाई में भी इसे भूनकर इसका छिलका उतार लें और फिर इसके बाद इसे 2 हिस्सों में इस तरीके से तोड़ लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसमें मैंने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और चाट मसाला। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। रंग को निखारने के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूंगी, चुटकी भर ही हल्दी पाउडर डाला है यहाँ पर। थोड़ा सा रंग मुझे कम लग रहा था तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम मार्केट जैसा ये मसाला सिंग बनके तैयार हो गया है। चलिए बना लेते हैं लाल चटनी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ लाल सूखी मिर्च भिगो कर रखी थी करीब 1.5 से 1.25 घंटे के लिए गर्म पानी में, यानी एकदम खौलते पानी में मिर्च को भिगो कर रख दें। तो यहाँ पर मैंने 10 देगी मिर्च ली है और 5 लाल कश्मीरी मिर्च ली है, इनको डाल दूंगी ब्लेंडर में। इसी के साथ डाल दूंगी लहसुन की कलियाँ, तो करीब 1/3 कप लहसुन की कलियाँ यहाँ मैंने डाली हैं छीलकर। इसी के साथ नमक स्वाद अनुसार और नींबू का रस डाल दूंगी, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा।
बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा भुना हुआ सिंगदाना ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है, साथ ही साथ फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए चीनी डाल दी है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है, पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें जिससे कि एकदम गाढ़ी चटनी बन के तैयार होगी। इतनी सारी चटनी तो यूज़ नहीं होने वाली है, मैं क्या करूँगी कि आधी चटनी यहाँ पर एक डब्बे में डालकर ट्रांसफ़र करके इसे फ्रीज़र में डाल दें, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको चाट कुछ बनाना हो तो इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं। बाकी के चटनी को यानी करीब 3 से 4 चम्मच चटनी मैंने दूसरे बोल में ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पतला कर लूँगी। अगर नमक कम लगे तो नमक डालकर सीजनिंग एडजस्ट कर लें। दाबेली बनाते समय थोड़ी सी पतली चटनी ही लगती है जिससे कि पाव में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तो यहाँ पर ये देखिए चटनी हमारी तैयार है, थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैंने पतला कर लिया है। चलिए अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ले लिया है करीब 2 से 3 बड़े चम्मच तेल, इसमें डाल दूंगी 3 बड़े चम्मच मसाले, जो दाबेली का मसाला बनाकर रखा है उसे डाल दूंगी। तो यहाँ पर मसालों को भी आप देख सकते हैं थोड़े ठंडे तेल में ही डाला है मैंने, और जैसे ही तेल सीजल करने लगे यानी मसाले भुने जा चुके हैं, मसाले पहले से ही भुने हुए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इसे तेल में भुनने की ज़रूरत नहीं, इनका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। फिर पानी डाल दिया है करीब 1 कप के बराबर, और अब जो आलू मैंने उबाल कर रखा है उसे कद्दूकस करके डालूंगी। कद्दूकस करके डालने से आलू के जो लम्स है वो नहीं रहेंगे, और जिस तरीके से दाबेली का मसाला तैयार होता है एकदम सॉफ्ट टेक्सचर वाला, उसी तरीके से ये तैयार होगा। तो यहाँ पर ये देखिए आलू को कद्दूकस करके मैंने डाल दिया है, नमक डाल दूंगी इसमें स्वाद अनुसार, और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए मसाले का रंग ही आपको बता रहा है कि एकदम परफेक्ट मसाला बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी आलू पूरा मिक्स होने के बाद पता चलेगा इसका रंग। अगर आपको रंग थोड़ा सा फीका लगे तो यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर डाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा गुड़ भी डाल दूंगी मैं, तो गुड़ का पाउडर यहाँ यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर गुड़ का पाउडर करीब 2 टेबलस्पून डाला हुआ है जिससे कि जो हल्का मीठापन आएगा इस स्टफिंग में इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। गुजरात की डिश है तो हल्का मीठापन तो बनता ही है, तो यहाँ पर गुड़ के साथ मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। गुड़ से स्टफिंग का जो रंग है वो भी थोड़ा सा खिलेगा। हल्का मीठा कम लग रहा था तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुड़ का पाउडर और डाल दिया है। पूरा मिलाकर मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर गुड़ का पाउडर यूज़ किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर हमारा जो ये स्टफिंग है ये तैयार हो गया है। स्टफिंग का टेक्सचर देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आलू का मसाला बन के तैयार होना चाहिए। चटपटापन और बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने नींबू का रस डाल दिया है। नींबू के रस की जगह आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे मैं अच्छे तरीके से फैला लूँगी, तो इसकी एक पतली सी लेयर प्लेट में आनी चाहिए, तो उसी हिसाब से प्लेट ले। आपने देखा होगा दाबेली की ठेले पर इस तरीके से मसाला होता है और उसे तरह तरह की चीज़ों से ऊपर से गार्निश किया जाता है जिससे कि वो दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम मसाले को गार्निश करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैंने मोटी लेयर नहीं रखी हुई है, तो यहाँ पर प्लेट को ये देखिए यहाँ पर अच्छे से मैंने मसाले को फैला लिया है प्लेट में, और अब इसे गार्निश करूँगी थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया पत्ता से। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे ऊपर से छिड़क लें तो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा, और धनिया पत्ता से फ्लेवर तो बढ़ ही जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया हुआ है नारियल का बुरादा, कद्दूकस करके उसे डाल दूंगी। तो नारियल का बुरादा थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में डालूंगी क्योंकि इसका फ्लेवर जो है दाबेली में बहुत ही अच्छा आता है, यानी एक चादर जैसी नारियल के बुरादे की आ जानी चाहिए आलू के मसाले के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से इसे फैला लेना है इस आलू के मसाले के ऊपर। थोड़े से अनारदाने छिड़क लूँगी यहाँ पर स्टफिंग के ऊपर, और यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल पतले स्लाइसेस में काट के रखा हुआ है और उसके बाद उसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो उसे भी थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेट कर लूँगी। पहले एक टाइम था जब दाबेली पर इतने सारे खट्टे मीठे फ्रूट्स को गार्निश करके फ्लेवर दिया जाता था, बट आजकल ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, बस आलू का मसाले पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और बस नारियल के सूखे बुरादे से गार्निश कर लिया। और मैंने देखा है कहीं कहीं टूटी फ्रूटी यूज़ करते हैं, मतलब टूटी फ्रूटी तो यहाँ पर यूज़ होता नहीं है, पता नहीं क्यों, बस थोड़ा सा कलरफुल इफ़ेक्ट देने के लिए टूटी फ्रूटी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ एकदम परफेक्ट कच्ची दाबेली की तरह ही ये बनेगा। यहाँ पर पाइनएप्पल की जगह आप अंगूर भी यूज़ कर सकते हैं सीज़न में, उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेस्टी बनता है। किनारों से भी ये देखिए पाइनएप्पल के जो पतले पतले स्लाइसेस होते हैं उसे 2 टुकड़ों में काट लिया है और उसे किनारों पर इस तरीके से मैं लगा लूँगी, तो दिखने में कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त ये
स्टफिंग बन के तैयार हुआ है, और इस तरीके से अगर कोई प्लेट लगा कर रख दे तो भाई लोग खाने के लिए क्यों नहीं टूट पड़ेंगे दाबेली, ये तो गारंटी है। तो एकदम ज़बरदस्त ये मसाला भी बना है और डेकोरेशन तो आप खुद ही देख सकते हैं। चलिए अब दाबेली बनाना शुरू करते हैं। दाबेली बनाने के लिए वैसे तो गोल शेप में जो पाव मिलते हैं मार्केट में उसे यूज़ किया जाता है, लेकिन उसकी जगह आप चाहें तो ये रेगुलर वाले बन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बन को काटना कैसे है, इस पाव को काटना कैसे है, तो इसे इस तरीके से काटें कि एक ट्रायंगल जैसा यहाँ पर अंदर से पॉकेट जैसा बन जाए। ये देखिए, यानी दो तरफ से जुड़ा हुआ है और सिर्फ दो तरफ से इसे कट करना है। और फिर एक तरफ ये लाल वाली चटनी लगा लूँगी और एक तरफ ये जो मीठी वाली चटनी है उसे लगा लूँगी। तो फिलहाल मैंने चार पाव इस तरीके से रेडी कर लिया है, और चटनी लगा लेने के बाद अब ये जो स्टफिंग है इसकी बारी आती है। तो एक छोटा सा चम्मच ले लें और इसी से हम स्टफिंग को पाव के बीच में भरेंगे। तो हमारी सबसे पहली लेयर इस स्टफिंग की जाएगी, तो करीब 2 छोटे चम्मच स्टफिंग डाल दूंगी, और साथ ही साथ पाइनएप्पल के टुकड़े भी डालते रहें तो स्टफिंग जो है बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो यहाँ पर ये देखिए, स्टफिंग को डाल देने के बाद थोड़ा सा मसाला सिंग है इसे डालूंगी, और साथ ही साथ बारीक कटा हुआ प्याज इसे डाल दूंगी। ये देखिए, बारीक कटा हुआ प्याज मैंने डाल दिया। और फिर से अब यहाँ पर आलू की स्टफिंग लगानी है, और आलू की स्टफिंग लगाने के बाद थोड़ा सा मसाला सिंग और प्याज इससे ऊपर से पैक कर लूँगी। तो इस तरीके से दाबेली हमारा तैयार हो जाता है। तो दाबेली को मसाला भर लेने के बाद हल्का सा दबा लें, तो इस तरीके से ये देखिए, ये जो पूरा स्टफिंग है अच्छे से पैक हो जाएगा अंदर से। तो इसी तरीके से सारे पाव को मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल दिया है, बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब एक एक करके ये जो दाबेली है इसे यहाँ पर तवे पर डालूंगी, बटर से अच्छे से कोट हो जाए इस बात का ध्यान दें। और फिर इसे पलट पलट के दोनों तरफ से क्रिस्प और हल्का गोल्डन कलर आने तक सेक लेना है, यानी थोड़ा सा रोस्ट कर लें। आंच को मैंने लो से मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। तेज़ आंच पर पाव की जो ऊपर की लेयर है यानी जो कवरिंग है वो थोड़ी सी जल सकती है, और फिर वो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से ऊपर से इसकी कोटिंग हो जानी चाहिए, और इस तरफ से सारे दाबेली को मैं सेक लूँगी। तो ये जो दाबेली है एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो रहा है, और इसी तरीके से आप बनाएं बहुत ही ज़बरदस्त ये दाबेली बनकर तैयार होते हैं। तो अगर कोई सिंगदाने या इस तरीके से प्याज व्याज तवे पर आ जाए तो इसे आप बाद में निकाल सकते हैं। और ये देखिए, दोनों तरफ से क्रिस्प और हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे सेक लेना है। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। दूसरी तरफ लिया हुआ है मैंने नायलॉन सेव, तो इसे दो तरफ से अच्छी तरीके से नायलॉन सेव से कोट कर ले। नायलॉन सेव से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी लगते हैं और अट्रैक्टिव तो बन ही जाते हैं ये। ये देखिए, नायलॉन सेव से मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ। आप नायलॉन सेव की जगह चाहें तो थोड़ा सा आलू भुजिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, नायलॉन सेव अच्छे से चिपक जाए इस बात का ध्यान दें, तभी ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेंगे। ये देखिए, अच्छी सी लेयर इसकी आ जानी चाहिए, और हमारा एक दाबेली बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से सारे तैयार कर लूँगी, और बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं। हम दाबेली लाते हैं मार्केट में से, स्ट्रीट पर से, कैसा बना है कैसा नहीं, घर पर ही बनाइए एकदम ऑथेंटिक तरीके से, और एकदम हाइजेनिक और एकदम परफेक्ट। यानी टूटी फ्रूटी की जगह आपने खट्टे मीठे फ्रूट्स डाले हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ही टेस्टी बनेंगे। रक्षाबंधन आ रहा है, उसके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।